नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप MVBeat एप्लीकेशन में अपनी फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी फोटो से बढ़िया सा ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप MVBeat एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी फोटो से बहुत ही शानदार वीडियो कुछ ही सेकंड में कैसे बना सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और दोस्तों आपको ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में MVBeat एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। गाइज मैंने इस एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद सिंपली गाइज आपको MVBeat एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी फोटो फ्रेम देखने को मिल जाती है जिसमें सिर्फ आपको अपनी फोटो डालनी है और गाइज आपका स्टेटस वीडियो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो ऊपर की ओर आपको बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। आप जिस भी कैटेगरी में अपनी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो गाइज आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लव कैटेगरी मिल जाती है, IPL के बारे में, जैसे अभी IPL चल रहा है और इसमें दोस्तों अगर आप IPL के बारे में अपनी फोटो से वीडियो बनाना चाहते हो तो गाइज आपको IPL कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। देन गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल गाइज मैं अपन लव कैटेगरी पर क्लिक करके यहाँ से एक फ्रेम सेलेक्ट करके उसमें अपनी फोटो डाल करके एक वीडियो बना करके आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लव कैटेगरी की बहुत सारी यहाँ पर टेम्पलेट देखने को मिल जाती है जिसमें सिर्फ आपको अपनी फोटो डालनी है और गाइज आपका स्टेटस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज आप जिस भी फ्रेम में अपनी वीडियो बनाना चाहते हो सिंपली गाइज आपको उस फिल्टर को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो गाइज मैं यहाँ पर इस फिल्टर पर क्लिक कर देता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फोटो यहाँ पर वीडियो में ऐड करनी है। तो इसके लिए गाइज आपको सिंपली रिप्लेस फोटो पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके मोबाइल की गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और गाइज आप जिस भी फोटो से अपनी वीडियो बनाना चाहते हो सिंपली आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्टिक पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तुम्हारी वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और गाइज अगर आप म्यूजिक चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको रिप्लेस म्यूजिक पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने पसंद के सॉन्ग को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो। गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं, और इसके बाद गाइज अगर आप इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हो तो सिंपली आपको मेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते ही वीडियो की एक्सपोर्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और गाइज वीडियो की एक्सपोर्टिंग कम्प्लीट होते ही वीडियो आपकी गैलरी में यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो तुम्हारी वीडियो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप MVBeat एप्लीकेशन में अपने मनपसंद फिल्टर में अपनी फोटो ऐड करके अपनी फोटो से बढ़िया सा ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।